रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी। अब एवरेज वैल्यू में ना एक प्रॉब्लम थी, एवरेज वैल्यू में ये प्रॉब्लम थी कि जब आप एवरेज वैल्यू निकालते थे तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर कंप्लीट साइकिल लेते हो, मैंने बताया था अगर आप कंप्लीट साइकिल लेते हो टी जीरो से लेके टी तक, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आपस में कैंसिल करती हैं और एवरेज वैल्यू की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, जीरो। ये प्रॉब्लम थी। लेकिन एक्चुअल में तो एक कंप्लीट साइकिल लेना ही चाहिए एवरेज के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर का मतलब है कि जितनी भी वैल्यूज हैं पहले पॉजिटिव और नेगेटिव, इमेजिन करो पहले आपने उनका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने से ये फायदा हुआ कि जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी क्या हो गई, पॉजिटिव। स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर करके आपने उनका मीन ले लिया, एवरेज ले लिया, लेकिन ये तो स्क्वायर ऑफ करंट का एवरेज आया, फिर अंडर रूट ले लिया ताकि आई स्क्वायर का अंडर रूट आई आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। फायदा ये होगा कि आप पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज दोनों को कंप्लीट साइकिल के लिए रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रूल नंबर वन, अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, तो फॉर्मूला नोट करें प्लीज आई आर एम एस का बुकलेट में, फॉर्मूला बुकलेट में, अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी फ्रॉम टी वन टू टी टू। प्लीज इस फॉर्मूले को नोट करें, ये आर एम एस करंट निकालने का फॉर्मूला है, आर एम एस करंट निकालने का फॉर्मूला है। आई आर एम एस या फिर आई वर्चुअल या फिर आई अफेक्टिव, एक ही बात है। अगर कोई सी न्यूमेरिकल में आई आर एम एस वर्ड की जगह अफेक्टिव वर्ड हो जाए या वर्चुअल वर्ड हो जाए, एक ही बात है, मेथड सेम है, ठीक है। ठीक है यहाँ तक, तो देखो ये फॉर्मूला नोट कर लिया। अब क्योंकि आई आर एम एस की वैल्यू निकालनी है आपको, आपका करंट है क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट है। आई आर एम एस की वैल्यू निकालनी है तो आई आर एम एस का फॉर्मूला लगा दें, दैट इज आई स्क्वायर डी टी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक। क्यों, क्योंकि आर एम एस वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए निकलती है, तो जीरो से टी की लिमिट लगाएं। अंडर रूट ऑफ I की वैल्यू बोलो क्या पुट करें, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो से टी तक, और डिनोमिनेटर की इंटीग्रेशन तो टी आएगी। अब यहाँ से I नॉट स्क्वायर का I नॉट तो बाहर ही आ जाएगा अंडर रूट के, और क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो से लेके कैपिटल टी तक। अगर आपको याद हो आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने इसकी इंटीग्रेशन याद करवाई थी, याद कर लेना, क्या करवाई थी, कितने टी बाय टू, यही थी ना, टी बाय टू, ये कट गया तो आंसर क्या आ गया, आई नॉट बाय रूट टू। तो आई आर एम एस का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आई नॉट बाय रूट टू, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके पास, ये मैंने इंटीग्रेशन की हुई है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आया आई नॉट बाय रूट टू या 0.707 आई नॉट, 0.707 आई नॉट, तो मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट टू आर एम एस वैल्यू होती है, ठीक। बाय डिफॉल्ट हम अगर ये बोलते हैं कि हमारे घर में एसी आ रहा है 4 एम्पियर, तो वो मीन है कि आर एम एस है, वो आर एम एस है। हम सारी कैलकुलेशन आर एम एस के साथ करते हैं। हम अगर आपके न्यूमेरिकल में कुछ भी मेंशन नहीं, बस ये गिवन है कि एसी करंट 4 एम्पियर है, तो बाय डिफॉल्ट वो आरएमएस ही है, पूछने की भी जरूरत नहीं, आरएमएस है, ठीक है। तो सारी कैलकुलेशन आरएमएस के साथ बिल्कुल सही आंसर देती है। तो ऐसी अगर क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो फॉर्मूले में आई की जगह क्या पुट कर देंगे, ई पुट कर देंगे, तो जो ई आरएमएस है, जो ई आरएमएस है उसका फॉर्मूला नोट कर लें, ई स्क्वायर डी टी फ्रॉम टी वन से टी टू तक डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी वन से टी टू तक, ऐसे, राइट। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें और इस फॉर्मूले में ई की जगह पुट कर दें ई नॉट साइन ओमेगा टी,
ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर वही बात, ये कैपिटल टी बाहर आ गया, ई नॉट भी बाहर आ गया, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी बाई टू, जीरो से टी, टी बाई टू, आंसर वही आएगा, ई नॉट बाई रूट टू या 0.707 ई नॉट।